बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायज़ा टीवी। फ्रेंड्स, मशहूर कॉमेडियन अमानुल्लाह गुर्दे की खराबी की वजह से चल बसे हैं। वो शदीद बीमारी की वजह से कई दिन तक एक इंतहाई निगहदाश्त यूनिट यानी आईसीयू में दाखिल थे। मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह 3 माह कबल गुर्दे, फेफड़ों और सांस की परेशानियों का शिकार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमानुल्लाह को लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां वो 15 दिन तक जेरे इलाज रहे, लेकिन वो बरकरार न रह सके और आज उनकी मौत हो गई। 12 दिन पहले वो नमोनिया में मुब्तला थे और उन्हें फिर से एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 7 दिन के बाद उन्हें फारिग कर दिया गया, लेकिन घर जाते ही उनकी हालत एक बार फिर खराब हो गई। लवाहिकीन के मुताबिक अमानुल्लाह को तीसरी बार अस्पताल लाया गया। उन्हें इंतहाई निगहदाश यूनिट में रखा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया। फैमिली ने कौम से अपील की है कि वो उसकी मगफरत के लिए दुआ करें। याद रहे कि अमानुल्लाह खान स्टेज, टीवी और फिल्मों के सबसे बड़े नामों में से एक थे, जिन्हें 2018 में सिद्धार्थी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अहले खाना ने नमाज जनाजा के वक्त और तारीख के बारे में अभी आगाह नहीं किया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी दबाएँ, ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।